हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव फार्मा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जी हाँ दोस्तों, आपने यहाँ पे अभी देखा है SST यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट की फार्मेसी की बहुत बड़ी वैकेंसी निकली है। तो ये वैकेंसी क्या है? इट इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर दी फार्मा स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पे एज लिमिट है 25 ईयर्स एज लिमिट है। ठीक है, तो ये जो जस्टली पास आउट स्टूडेंट है, ओके, अभी यहाँ पे पास आउट स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जिनका एज कम है। ठीक है, तो देखिए ये बहुत ही एक बिग अपॉर्चुनिटी है सभी फार्मासिस्ट के लिए। तो ये क्या है, टोटल एडवर्टाइजमेंट क्या है, कितने वैकेंसीज है, ऑनलाइन फॉर्म किस वेबसाइट पे हमें फिल करना है, इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, इस सभी की जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये वीडियो जो है वो पूरी तरह से आपको क्या करनी है, देखनी है इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवियंस पेंशन जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर आता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, SSC बोलते हैं उसको। ठीक है, उसकी जो वेबसाइट है जहाँ पे हम ऑनलाइन फॉर्म फिल करने वाले हैं वो वेबसाइट यहाँ पे देखिए, www.ssc.nic.in। डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये मिलेगी। ठीक है, इस वेबसाइट पे जाके आपको क्या करना है, आपका अकाउंट ओपन करना है और आपको क्या करना है, फॉर्म फिलअप करना है। देखिए दोस्तों, इसकी एडवर्टाइजमेंट कैसी है और डेट्स जो है ये इम्पोर्टेंट है। एडवर्टाइजमेंट के पहले फॉर्म कब स्टार्ट होने वाली, देखिए डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 24 दिस मंथ से 24 से स्टार्ट हो रहे हैं एंड 25 नेक्स्ट मंथ तक, 25-10 तक ये ऑनलाइन फॉर्म रहेंगे। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन रिसीव देखिए 25 अप टू रात के 11:30 बजे तक ये लास्ट डेट है। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट करने की 28 तक है। ठीक है, अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर लिया और पेमेंट बाकी है तो आप 28 तक क्या कर सकते हो, ये पेमेंट कर सकते हो। ओके, देन लास्ट डेट ऑफ जनरेशन ऑफ ऑनलाइन चलन, अगर आपको जनरेट करना है तो चलन जनरेट करके वो बैंक में जाके आप 28 तक जनरेट करके बैंक में जाके आप क्या कर सकते हो, वो फिलअप कर सकते हो। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू द चलन ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक 1 तारीख, ओके, 1:11 तक चलन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, बैंक में जाके पेमेंट कर सकते हो। एंड कंप्यूटराइज्ड एग्जाम जो है वो जनवरी और फेब्रुआरी में होगी 2020। ठीक है, नेक्स्ट साल की जनवरी और फेब्रुआरी में क्या होगी, इसकी एग्जाम होगी। ठीक है, ये क्या है डिटेल, आपका पूरा डेट वाइज पूरा सिस्टम है। तो आगे देखिए, ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए पोस्ट कहाँ कहाँ पे निकली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, मैं खाली फार्मा के बारे में बोल रहा हूँ, फार्मा एलोपैथ के बारे में। ठीक है, तो फार्मा एलोपैथ है, यहाँ पे हम फॉर्म फिलअप कर सकते हो। देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर है 67, 68, 148, 250, 258। तो यहाँ पे वैकेंसीज देखिए, एज लिमिट दिए है यहाँ पे और यहाँ पे डिपार्टमेंट दिया है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है, एडिशनल डायरेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ठीक है, जो डिपार्टमेंट है उस यहाँ पे देखिए बॉम्बे। ठीक है, एज लिमिट है 18 to 25, पे स्केल है लेवल 5 का पे स्केल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की लेवल देखिए 10+2। अब यहाँ पे 10+2 यहाँ पे बताया गया है यानी कि 10+2 आपका है तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ आपको आपको फर्स्ट एग्जाम को लिए अलाउड रहेगा लेकिन नेक्स्ट एग्जाम को आपको पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहां पे लगेगा, यानी फार्मेसी होना ही चाहिए। ठीक है, फार्मेसी ऐसा नहीं है कि 12वीं है तो सब फिलअप करेंगे तो बाद में यहाँ पे फार्मेसी लगे। आपको पूरा जो एडवर्टाइजमेंट है ये पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट का PDF आपको हमारे ग्रुप पे मिलेगा कॉम्पिटेटिव फार्मा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है। तो देखिए यहाँ पे बॉम्बे के लिए जो है तो वैकेंसी देखिए, SC के लिए 3, ST के लिए 3, OBC 4, जनरल 1, EWS ऐसे 12 वैकेंसी। देन यहाँ पे देखिए फार्मासिस्ट है वही बॉम्बे के लिए लेवल 5, यहाँ पे 3। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग सेक्शन में वैकेंसी है। यहाँ पे CGHS हेडक्वार्टर में देखिए एज लिमिट सभी को 1 है,
यहाँ पे 7, 3, 14, जनरल के लिए 20 और यहाँ ईडब्ल्यूएस के लिए 5 और यहाँ पे 49, ठीक है। देन फार्मासिस्ट एलोपैथ यहाँ पे एडिशनल डायरेक्टर उनके अंडर जो है मेरे मुंबई की जो वैकेंसी है वहाँ पे देखिए टोटल 13 वैकेंसी। देन गुजरात, गुजरात का जो है वहाँ पे है 9 वैकेंसी। देन एलोपैथ का पुणे के सीजीएचएस जो पुणे है, ठीक है, सीजीएचएस पुणे, तो वहाँ पे देखिए 6 वैकेंसीज। फार्मासिस्ट एलोपैथ वहाँ पे, यहाँ पे 2 वैकेंसी नागपुर के लिए। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस है, यहाँ पे मैंने एलोपैथ के बताए हैं खाली, ठीक है। यहाँ पे डी फार्म, बी फार्म कोई भी हो, एम फार्म, सभी फॉर्म फिलअप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ऑनलाइन मैंने वेबसाइट बताई है, वहाँ पे जाके आप फॉर्म क्या कर सकते हो, फिलअप कर सकते हो। देखिए इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो जरा वो हटके तरीके से है, ठीक है। जो रेगुलर का जो फार्मेसी का कंटेंट रहता है वो यहाँ पे वेबसाइट, यहाँ पे पीडीएफ पे उन्होंने नहीं मेंशन किया है। तो स्कीम वहाँ पे उन्होंने जो दी है वो स्कीम मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखिए जनरल इंटेलिजेंस एक सेक्शन है, बी सेक्शन है जनरल अवेयरनेस, देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, देन इंग्लिश लैंग्वेज। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए 25, 25, 25, 25, 25, मार्क है 50, 50, 50, 50, 50, यानी कि टोटल 200 मार्क्स है। ड्यूरेशन देखिए 60 मिनट है, 80 मिनट्स फॉर द कैंडिडेट, ठीक है, जो फिजिकल हैंडीकैप या अलग पैरामीटर में आते हैं तो उनके लिए। बाकी 1 आवर्स क्या है इसके लिए टाइम है, ठीक है, 1 घंटा टाइम है। 100 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं। निगेटिव मार्किंग है 0.5 निगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर एक रॉन्ग हो गया तो 0.50 क्या हो गया आपके, माइनस हो गए। तो इस तरह का क्या है इसका पैटर्न है। यहाँ पे सिलेक्शन करने के लिए देखिए अगर जनरल कैंडिडेट है तो उसको 35 मार्क लेने पड़ेंगे, मीन्स 100 में से 200 में से 35% उसके आ गए तो वो क्वालिफाई हो गया, नहीं तो वो क्या हो गया, ये कट ऑफ मिनिमम है, उसके आगे उसको लेना ही है, ठीक है। देन ओबीसी ईडब्ल्यू उसको 30 है, देन अदर कैटेगरी को 25 है, ठीक है। अदर कैटेगरी की क्या है 25 है, मीन्स उसको 200 मार्क जो है उसमें से इतने परसेंट कंपलसरी लेने हैं, इसके आगे कितने भी हो तो चलेगा, कोई इशू नहीं, मिनिमम इतने उसको क्या करने हैं, लेने हैं, ये क्या है उसका कट ऑफ है, ठीक है। उसके आगे है यानी सिलेक्शन नहीं, अगर उसके आगे मार्क मिलती है तो उसका स्किल टेस्ट, ओके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसका पहले, ओके। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो पूरे डॉक्यूमेंट आपको पूछेंगे, फार्मा के डॉक्यूमेंट है या आपके 10th के 12th के डॉक्यूमेंट है, सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आप इलिजिबल हो गए। स्किल टेस्ट अगर वो लेते हैं तो स्किल टेस्ट को इलिजिबल हो गए, और स्किल टेस्ट का जो सिलेबस है, ओके, क्या पैटर्न है क्या, वो उन्होंने नहीं दिया। लेकिन हमेशा क्या होता है स्किल टेस्ट के लिए जो हमारा टेक्निकल सब्जेक्ट है, टेक्निकल नॉलेज है, वही उसका क्या रहता है पैटर्न रहता है, ठीक है। जो फार्मा का टेक्निकल है तो वही उसका क्या रहेगा, वहां पे पैटर्न रहेगा, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। तो उसके लिए क्वालिफाई होना है, तो ये पहली स्टेप पूरी की तो स्किल टेस्ट को क्वालिफाई होगी, अगर स्किल होती है तो वहां पे क्लियरली तो मेंशन कहीं पे नहीं दिखा, लेकिन होगी स्किल टेस्ट, क्योंकि वहां पे एक एग्जाम होने के बाद डिफरेंशिएट, लेकिन कट ऑफ जो है वो इसी टेस्ट पे कट ऑफ लगेगा, ठीक है। फाइनल कट ऑफ जो है वो फर्स्ट टेस्ट पे क्या लगेगा, फाइनल कट ऑफ जो आपका मेरिट लिस्ट लगेगी, तो इसी कट ऑफ पे आपकी क्या होगी, मेरिट लिस्ट लगेगी, ठीक है। देन देखिए सिलेबस देखिए क्या क्या है, शॉर्ट में ये पीडीएफ में दे दूंगा आपको। तो शॉर्ट में देखिए जनरल इंटेलिजेंस का दिया है, उसमें देखिए एनालॉजी के नंबर सिस्टम, नंबर ट्रेंड, फिगर एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन। देखिए पेपर जो रहेगा वो हमेशा हिंदी और इंग्लिश में रहता है इनका, ठीक है। जो क्वेश्चन हिंदी में है वही क्वेश्चन क्या आएंगे इंग्लिश में, ठीक है। वर्ड बिल्डिंग रहेगा, इमोशनल इंटेलिजेंस, फिगर सर्च, ये आप पूरा मैं आपको पीडीएफ देता हूँ वो देख लीजिए आप। जनरल अवेयरनेस है, ओके, जनरल अवेयरनेस में एप्लीकेशन टू द सोसाइटी, यानी यहाँ पे देखिए डिफरेंट एवरीडे जो ऑब्जर्वेशन है यानी कि करंट आता है उसमें, इकोनॉमी है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, कल्चर है, नेबरिंग कंट्रीज की इंफॉर्मेशन है, जनरल पॉलिटी है, साइंटिफिक रिसर्च है, ये सब जनरल अवेयरनेस में, और करंट की जो चीजें है सभी इसके अंदर आएगी, ओके। यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो पार्ट है, ओके, मैथमेटिकल जो का जो पूरा पार्ट है उसके अंदर आता है, अर्थमेटिक, नंबर सिस्टम, कंप्यूटराइजेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, फिगर फंडामेंटल अर्थमेटिक, ओके, मींस परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, पूरा मैथ का जो सेक्शन है वो पूरा यहाँ पे आता है, ठीक है, पूरा मैथ का सेक्शन है। ये डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, पीडीएफ आपको दूंगा, वो आप देख लीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज
इंग्लिश लैंग्वेज में स्पॉट एरर, फिलिंग द ब्लैंक, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ओके, स्पेल करेक्ट, डिटेक्शन ऑफ मिस स्पेल वगैरह, एड ऑन फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्टिव वॉइस, कन्वर्जन टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है, ये सब क्या है, कंप्रेशन पैसेज वगैरह आएगा, ठीक है, पैसेज आएगा उस पर क्या आपको आंसर वहां पे ढूंढ के निकालना है, तो ये सब क्या रहेगा उसके लिए ये पैटर्न रहेगा। इस पे अगर आपको एक पर्टिकुलर कट ऑफ पे मार्क्स मिलते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हो नेक्स्ट टेस्ट के लिए, स्किल टेस्ट के लिए। अभी तक तो फिलहाल इतना ही है, तो आप चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। एसएससी का हो या किसी भी एग्जाम का फार्मासिस्ट का हो, आपको स्टडी करने के लिए ये चैनल यूजफुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक्स वंस अगेन।